best wishes of the morning to class 9. Most welcome. Alexius online classes. Dear students, it is time to prepare all the chapters belonging to the syllabus for April 1st. And very warmly we should prepare. Revision time is going on. This time, once again, I am going to tell you about the story. How to prepare a story having good moral, very impressive story. How? For this, as in grammar, writing skill. Writing is key. And short story. You will get a story. How to write, how to develop a story with the help of given hints. How? आपके सामने outlines होगा. For example, you can take outlines. A farmer ... had 4 sons. ... Lazy. ... No help to father. ... Waste time. Idle talk. ... Father failed. ... Hard. Work. ... What father? Wanted. स्टूडेंट्स जो आउटलाइंस के आउटलाइंस होते हैं इसमें हमने पूरे वर्ड नहीं डाले कि एक वर्ड पर ज्यादा टाइम मिलेगा कुछ ही वर्ड्स में डाले एंड इफ यू हैव ग्रामर बुक यू विल फाइंड इट यू विल फाइंड दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 119
शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्योंकि आंसर एक्सप्लेन करना है। आंसर हाउ टू डेवलप अ प्रॉपर सुटेबल स्टोरी। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल सुटेबल टाइटल, किसान हैड पोस्ट, देखिए किसान के पास चार बेटे थे, लेजी आलसी थे, नो हेल्प टू फादर, उसके फादर कोई हेल्प नहीं करता था, वेस्ट टाइम, वो टाइम वेस्ट करते थे। हाउ आइडल टॉक, अनाप स्नाप की बातों में ही टाइम वेस्ट करते थे, नो सन, नो सन वुड हेल्प द फादर, फादर पेट, फादर बहुत दुखी होते थे, बहुत कष्ट होता था। यहाँ पर छोड़ दिया मैंने हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम किया, फॉर फादर वांटेड, जो पिता नहीं चाहते थे। अब आप सुने होंगे इसके बारे में, मैं आपको बता भी दूँ क्या चीज का पूरा पर लिखा दे गया है, बुक से आप लिख लेंगे इसको, हम पीडीएफ सेंड भी कर देंगे इस क्वेश्चन का, फुल पीडीएफ। ओके, इसमें क्या है कि फादर फर्स्ट लोग आते थे और परिवार चलाते थे, बच्चे इसको समझ नहीं सके, फादर ने कई बार समझाया तो उन्हें सब चीज बोल दिया था, खजाने के बारे में जो खेत में रखा हुआ है आप लोग ले लीजिएगा मरने के बाद, और वो लोग खोदने गए नहीं पाए, बाद में उसको सलाह दिया गया बोने के लिए, जब उसने कोई क्रॉप्स कोई फसल बोया तो सभी लोगों ने तो उन्हें अच्छी फसल पैदा हुई, फिर समझ में आ गया कि ये है क्या हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना, या नो पेन नो गेन। तो छिपा हुआ खजाना आप इसको लिखेंगे, द हिडन ट्रेजर, यहां से स्टार्ट है आपका आंसर, ये इस स्टोरी का हेडिंग है, और फिर आप इसका मैटर लिखेंगे समझ करके, और लास्ट में फिर मोरल लिखा जाता है, मोरल, मोरल में ये है कि नो पेन नो गेन, आप इसको लिखेंगे नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन मैटर में स्टार्ट करें जैसा भी लिखा गया है, किसान था तो स्टोरी शुरू किया था, ये वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ फार्मर, क्वेश्चन दे दें, वंस अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, he had four sons, dot 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 dot, आप कंप्लीट करेंगे, उसके पास चार बेटे थे, all of them was very lazy, ऐसे लिखा जाएगा, all of them was very lazy, no one would like to help the father, they used to waste their time। देखिए कोई नेसेसरी नहीं है, इस वर्ड को बीच में आप अपनी तरफ से वर्ड ऐड कर सकते हैं, they used या they would waste time in idle talk, idle talk, पृष्ठा
seeing their activities, nature, behavior, the farmer paid. Just like आप सुबह पिछले जाओगे, last में हमने मोरल बता ही दिया है, बता दिया. This is your homework. पासिंग का PDF मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ. Thanks. Have a nice day.